सोनापुर के जंगल में टोनी चुड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चुड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टोनी चुड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी। ऐसे में एक दिन टोनी चुड़िया के पिता टुन्नू चुड़ा उसके घर आता है और उससे कहता है, टोनी चुड़िया तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। टुन्नू चुड़ा के बहुत समझाने पर भी टोनी चुड़िया अपनी मायके नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार टोनी चुड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ कड़कनाथ उसके पास आता है। अरे टोनी चुड़िया आजकल कहाँ रह रही है, दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तू मुझे नहीं मिली। तू मेरे 2 महीने का किराया दे दे वरना घर खाली कर दे। सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी, बस आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं मैं अब तुझे 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे नहीं तो मुझे खाली करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टोनी चुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपनी बच्ची को लेकर, अब तो मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को मैंने पहले ही मना कर दिया था। यही सोचते सोचते टोनी चुड़िया अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँच कर वो टुनटुनी चुड़िया से 1 गिलास पानी मांगती है। टुनटुनी बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, 1 गिलास ठंडा पानी लाकर पिला। टुनटुनी चुड़िया उसे 1 गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर उससे पूछती है, माँ तुम आज बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, चल तू अब मेरे साथ चलकर घर के सामान को समेट, कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा ये घर अपना नहीं किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई, इसलिए कड़कनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ कल हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना कहकर टोनी चुड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन टोनी चुड़िया टुनटुनी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ चुकी थी। तभी टुनटुनी कहती है, माँ वो देखो आम का बगीचा, वहाँ पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पके हुए आम लगे हैं। मैं जाकर कुछ आम खा लूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी तू जा और जाकर आम खा ले, तब तक मैं यहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ रही हूँ। टुनटुनी आम खाने चली जाती है। वो बड़े मजे से पके हुए आम खा रही थी और आम की गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं? ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होंगी और घर बना हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लिया जाए, फिर हमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टुनटुनी चिड़िया, चल हम लोग अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती हैं और उससे एक बड़ा सा घर बनाती हैं। घर बन जाने के बाद जंगल के पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी बेटा तूने अपनी माँ के बुरे वक्त में साथ दिया और आम का कितना सुंदर घर बना दिया, तू बहुत आगे जाएगी, भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर टोनी चुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये अफसाना सुंदरवन जंगल का है। टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी को 5 साल हो गए थे लेकिन आज भी टुनटुनी अपनी शोहर से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। अरे टुनटुनी मेरी चाय कहाँ है? टुनटुनी को बंटी कबूतर से इतना खौफ होता था कि
वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने बंटी कबूतर को चाय देते वक्त चाय का कप बंटी कबूतर पे गिरा दिया। अरे जला दिया। ए भगवान, कैसी बीवी दी है तुमने मुझे। एक भी काम ये चिड़िया कायदे से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी कितनी भी इल्तिजा करे लेकिन बंटी कबूतर को उसकी दरख्वास्त सुनाई ही नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी टुनटुनी को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी बेचारी रो कर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। टुनटुनी की पड़ोसन हरी काकी अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुँह तो देख तेरा पूरा सूज गया है, तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन। 2 साल की थी, मेरे वालदिन के इंतकाल हो गया। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ ना कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे शौहर के घर से सिर्फ तेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। टुनटुनी की पड़ोसन ने उसे कई मर्तबा समझाया लेकिन टुनटुनी है कि उसकी सुनती ही नहीं। टुनटुनी भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसका खुद पर से एतबार ही उड़ गया था। कुछ महीने बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल ले गया। उस डॉक्टर ने टुनटुनी की जाँच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी वालिद बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा लड़का है या लड़की वो? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बेहद जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 देने को राजी हूँ। टुनटुनी घर आई तो परेशान थी। अगर उसके पेट में बेटी हुई तो बंटी कबूतर उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊँ? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी। बेटी तो करना क्या है? करना क्या है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है? डॉक्टर टुनटुनी की ओर देख रही थी लेकिन बंटी कबूतर बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने, मैंने बोल दिया ना बस, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 रोज बाद कर सकते हैं। ठीक है। टुनटुनी घर गई और वो बेहद परेशान थी। वो रोने लगी। जब बंटी कबूतर आया तो टुनटुनी उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। क्या कहा, तुझे बेटी चाहिए? मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए बेटी चाहिए? और फिर बंटी कबूतर ने फिर से टुनटुनी को पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 रोज तक चलता रहा। टुनटुनी का शौहर रोज उसे पीटता था। तीसरी रात टुनटुनी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी की शक्ल में तब्दील हो गई। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम उसे मरने नहीं दे सकती, उठो उठ जाओ। और हर बड़ाहट में टुनटुनी की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी। चल वक्त हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल और ना ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ, मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब बंटी कबूतर ने अपना हाथ उठाया तो टुनटुनी ने हाथ रोक लिया और टुनटुनी ने बंटी कबूतर को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे कुछ अलग ही ताकत उसके जिस्म में आ चुकी थी। छोड़ छोड़ तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे झाड़ू से पीटेगी? मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को जोर से झाड़ू दे मारी और वो सीधा घोंसले के बाहर जा गिरा। आसपास पक्षियों की भीड़ लग गई। टुनटुनी मारते मारते बंटी कबूतर को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई।
वहाँ टुनटुनी ने बंटी कबूतर और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये शख्स मेरा शौहर है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। 10,000 रुपए देकर ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। टुनटुनी की FIR दर्ज हो गई और बंटी कबूतर और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब टुनटुनी घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया टुनटुनी, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी, वो एक रास्ता बंद करती हैं तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है, मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातूनों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। उसके बाद टुनटुनी ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। टुनटुनी खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान शौहर से निजात मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद टुनटुनी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और टुनटुनी को अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत सारी खुशियाँ हासिल हो गयी थी। चंदनवन जंगल में एक परिवार रहा करता था। एक दिन रानी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके विदेश के जंगल में चली जाती है। फिर उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके विदेश भाग चुकी है तो लो क्लास के चलते रानी चिड़िया के माँ बाप अपनी जान दे देते हैं। अब घर में अकेली सिर्फ रानी की छोटी बहन टुनटुनी बची थी। वो अपनी बहन को कोस रही थी। दीदी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे चलते मम्मी पापा ने अपनी जान दे दी, मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गई, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। दीदी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। धीरे धीरे समय अपने पंख लगाकर उड़ने लगता है। उधर विदेश में रानी चिड़िया एक दिन अपने पति कालू कौए से कहती है। कालू मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी बहन टुनटुनी को यहाँ ले आए। देखो ना यहाँ की नौकरानियाँ कितना डिमांड करती हैं, और अभी तो हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग कोई अच्छी नौकरानी रख सकें। मैं किसी तरह से टुनटुनी को विदेश का लालच देकर यहाँ ले आऊँगी, इस तरह हम लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो रानी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो नाराज होंगे ना, वे टुनटुनी को यहाँ आने नहीं देंगे। तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ऐसा ड्रामा करूँगी कि वो लोग सब कुछ भूलकर टुनटुनी को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है रानी, मैं कल ही हवाई मोटर से तुम्हें इंडिया छोड़ाऊंगा। अगले दिन रानी चिड़िया चंदनवन जंगल अपने घर पहुँच जाती है। माँ पिताजी आप लोग कहाँ हैं? टुनटुनी मेरी बहन कहाँ है तू? देख मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। दीदी तुम यहाँ क्या करने आई हो, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे बाप रे, मेरी बहन मुझसे इतना नाराज है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चल बता माँ पिताजी कहाँ है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो दीदी मरना होगा। टुनटुनी ये तू कैसी बातें कर रही है, मैं तेरी बातों को समझी नहीं। दीदी तुमने माँ पिताजी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, दोनों ने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही रानी दुखी होने का नाटक करने लगती है। टुनटुनी बहन मुझे माफ कर दे, मुझे माँ पिताजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मैं भी क्या करती, कालू के साथ जंगल के पक्षी मेरी शादी कराने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे उसके साथ भागना पड़ा। हाँ चल छोड़, जो हो गया सो हो गया, मैं तुझे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे अपने साथ विदेश लेकर चलूंगी, तू मेरे साथ विदेश आ जा, मैं वहाँ अमेजन जंगल में रहती हूँ। अब यहाँ क्या रखा है? नहीं दीदी मैं तुम्हारे साथ विदेश कभी नहीं जाऊंगी, इस घर में मेरे माँ पिताजी की यादें बसी हैं। रानी टुनटुनी को विदेश ले जाने के लिए काफी मनाती है और अपने साथ विदेश ले जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है, तभी एक दिन। अरे ओ महारानी कब तक तू सोई रहेगी,
जब से आई है तब से तू आराम कर रही है। चल घर के काम कर, मुझे पार्टी करने नदी किनारे जाना है। जा जाकर तू सबसे पहले घर की सफाई कर दे। मैंने नाश्ता बना लिया है, तू शाम को खाना बनाकर तैयार रखना। अब रानी टुनटुनी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार शुरू करने लगती है। धीरे धीरे टुनटुनी को समझ आ जाता है उसकी बहन ने उसके साथ धोखा किया है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी रानी से कह देती है, दीदी मैं तेरी चाल को समझ गई हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे यहाँ लाकर नौकरानी बना दिया है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगी, मुझे इंडिया जाना है, मैंने अपना टिकट बुक करा लिया है। तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं भी देखती हूँ तू कैसे यहाँ से जाती है, मैंने तो माँ पिताजी का घर कब का बेच दिया। टुनटुनी अपनी किस्मत को कोसने लगती है और ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी नदी किनारे पानी लेने गई हुई थी, तभी वहाँ उसकी मुलाकात बंटी नाम के कबूतर से होती है। तुम इस जंगल की नहीं लगती हो, कहाँ से हो पीली चिड़िया? मेरा नाम पीली चिड़िया नहीं टुनटुनी है, और मैं इंडिया के चंदनवन जंगल से हूँ। और वो उसे अपनी बहन के अत्याचार के बारे में बंटी को सब बता देती है। बंटी एक भला कबूतर था, टुनटुनी के ये हालात देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी करके अपने वतन इंडिया आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।